आज माना कि आज हम आजाद, लेकिन इस आजादी को पाने के लिए, इसे पाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने ढेरों सितम सहे और हर तरह की कुर्बानियां दी। हम पर कभी सीधे सीधे अंधे कानून थोप दिए गए, कभी लाठियां तो कभी गोलियां तक बरसा दी गई। आजादी के बाद भी हमारे पड़ोसी ने हमें कोई चैन से थोड़े ही बैठने दिया। 1948 में कश्मीर में कबायली भेजकर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की। 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई इस किस्म के नारे लगाने वालों ने हमारी सरहदों पर बुरी नजर डाली। 1965 में पाकिस्तान ने हमें आजमाना चाहा। 1965 और 1971 में भी हमने दुश्मन को करारी मात दी। एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर पड़ोसी ने साजिश कर अपने नापाक कदमों से हमारी सरहदों पर घुसपैठ करनी चाहिए, लेकिन हमारे जाबाज सिपाहियों ने उन्होंने हमारी सरहदों की हिफाजत, हमारी हिफाजत वो तो की, साथ ही दुश्मन को यह सबक भी सिखा दिया कि फिर दोबारा वो हम पर आंख उठाने की कोशिश ना करें। यह आजादी आप देख रहे हैं, इसे पाने के लिए हमें ना जाने कितनी बार कितनी भारी कीमतों का सामना करना पड़ा। कभी बंगाल में भेजे, कभी रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, मार्शल लॉ, जलियांवाला बाग, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी और ना जाने क्या क्या। हम कल भी गुलाम थे, हम पर लाख इल्जाम थे, इस गुलामी से निजात पाने में आजादी का दिया जलाने में ना जाने कितने सपूतों ने हंसते हंसते मौत को गले लगाया। तब कहीं जाकर आजादी का तिरंगा लहराया। नहीं है हमने कायद को, नहीं है कोई बुस्तल, कैसे भूल जाए जलियांवाला बाग, कैसे भूल जाए कारगिल। हम सलाम करते हैं उन नौजवानों जो खो गए इस जमीन को जगाकर, जो खुद सो गए।